हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे और उसके एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देखा था। आज इंटीग्रेशन, अभी हम कौन सा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, आई मीन जिसमें इंटीग्रेशन का क्या है, लिमिट नहीं दिया रहता है ना। आई मीन लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा, तो नहीं दिया रहेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो हमने कुछ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे और उससे रिलेटेड हमने सम भी देखा था, है ना। जैसे मैंने बताया था कि साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स होगा, टैन एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है ना। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टैन एक्स होगा, कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स होगा। उसी तरह इंटीग्रेशन सेक एक्स का क्या हमने देखा था कि लॉग सेक एक्स प्लस क्या होगा, टैन एक्स, और लॉग ऑफ टैन एक्स बाई टू प्लस क्या देखा था, पाई बाई फोर। क्या देखा था हम लोगों ने क्या देखा था, पाई बाई फोर। उसके बाद मैंने उसको प्रूफ भी किया था। अब हम क्या देखेंगे, कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। जैसे देखिए कि क्या ऐसे दिया हुआ है, बाद में हम सबको एक जगह लिख देंगे या मैं आप लोगों को एक शीट भेज दूंगा जिसमें सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे, आपको उसको क्या करना है, हमेशा रिवीजन करते रहना है। तो अभी हम देखेंगे क्या कि यदि दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वन अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस क्या होगा, सी होगा। आई मीन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। इसको टैन के पावर माइनस वन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए इंटू क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस क्या होगा, सी होगा। अब इसको आपको, आप बोलोगे सर ये कैसे आता है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स के जगह आपको क्या करना है, अब एक्स के जगह मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंसिडर करें। देखो तो एक्स के जगह हम लिख सकते हैं इसको लेट, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इसको टी मान लो, तो क्या मानेंगे, लेट x इक्वल टू ए टैन थीटा हमने मान लिया, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, a d ऑफ टैन थीटा डी थीटा यही होगा। तो dx अपॉन डी थीटा, हमको क्या करना है, dx को भी d थीटा के टर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, dx अपॉन d थीटा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर का कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो dx इक्वल टू क्या होगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप इसमें वैल्यू रखो, तो i इक्वल टू यदि हम कंसीडर कर लें तो क्या लिख सकते हैं, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, देखो तो यहां क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब एक कॉमन ले लो तो वन अपॉन ए कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा, सीक स्क्वायर थीटा, सीक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, सेक स्क्वायर थे, तो देखो तो कितना होगा, आई इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन ए कितना होगा, डी थीटा। अब डी थीटा का यहाँ क्या लिख सकते हैं, थीटा रेस टू जीरो, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए थीटा प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू हमने क्या माना है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan theta equal to x upon a, तो theta equal to क्या होगा, tan inverse of x upon a लिखते हैं। ये जब आप inverse trigonometrical function पढ़ोगे तो वहां आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो theta equal to क्या होगा, tan inverse of x upon a। अब इसको यहां रख दो,
तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A tan इनवर्स ऑफ क्या होगा X अपॉन A प्लस क्या हो जाएगा C। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन A tan इनवर्स ऑफ X अपॉन A प्लस क्या हो जाएगा C। यही तो मैंने बताया था आपको। तो आपको क्या करना है, इसको माइंड में रखना है, इसको क्या करना है, याद करना है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट रहा। एक कई जगह फिजिक्स में यूज होता है कि आपको क्या करना है, वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट वे नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड, मैंने प्रूफ बताया, लेकिन हर टाइम हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त हर टाइम हम प्रूफ नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती है ना। जब आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोर्ड के लिए लिखना हो तब आप प्रूफ करेंगे, लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इसका यूज करना हो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप कम टाइम में प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन, जैसे इस पे कुछ एग्जाम्पल देखें हम, देखो ध्यान से, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स टू प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे, डी एक्स अपॉन क्या होगा रूट टू, क्या लिखेंगे रूट टू स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा एक्स बाई क्या होगा रूट टू प्लस क्या हो जाएगा सी। पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो पहले अपना काम है क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आए उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड गिवन रिजल्ट है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो आसानी से क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन वन स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। अब यहाँ ए इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हुआ टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। उसके बाद और भी कुछ हम सम देख लेते हैं, है ना, दो तीन क्या होगा एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी एक्स अपॉन फोर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो जब ए यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा तभी हमें रिजल्ट यूज करेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, अब अगेन क्या लिखेंगे यहाँ, डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब लिख सकते हैं वन बाई टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई क्या होगा टू प्लस, यही क्या हुआ इंटीग्रेशन, क्या हो गया इंटीग्रेशन। यही यदि आगे होता, अगला देखो ध्यान से क्या करना है आपको, अगला जो रिजल्ट है देखो ध्यान से क्या करना है, अगला जो रिजल्ट होगा वो क्या है, आपसे कोई पूछे कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डी एक्स अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या पूछा जाएगा, और ये दोनों मैं बता देता हूँ क्या होगा, डी एक्स अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके लिए आप ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रिजल्ट तभी हम यूज कर सकते हैं जब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म होगा देन वी कांट यूज दिस रिलेशन। अब इसको भी हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान मेथड बताता हूं, इसको क्या करो फैक्टराइज कर दो, क्या करो आप उसको फैक्टराइज कर दो। तो देखो यहां हम लिख सकते हैं पहला क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डी एक्स अपॉन, देखो तो ए प्लस एक्स इंटू हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस एक्स। अब अगेन मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है ए डी एक्स प्लस क्या है प्लस माइनस बी डी एक्स के फॉर्म में ला देना, इस फॉर्म में ला देना है,
और फिर उसके बाद हम आसानी से क्या करेंगे, जो प्रीवियसली पहले जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने देखा है उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आप देखो यहां ध्यान से मैं सेट कर रहा हूं, देखो क्या होगा, मैं लिख सकता हूं वन अपॉन, क्या लिख सकता हूं, ए प्लस एक्स प्लस वन अपॉन ए माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, 2a आ जाएगा। देखो ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2a, ऊपर क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपने से 2a से क्या किया, डिवाइड कर दिया। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वहां ये बताया जाएगा, इसका भी मेथड होता है कि ये तो सिंपल है तो हम आसानी से सोच सकते हैं, नहीं तो वहां कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, प्रोडक्ट में है तो उसको हम क्या करते हैं, सम में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन ए प्लस एक्स प्लस, देखो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 माइनस एक्स, सॉरी ये माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और न्यूमरेटर में कितना बचेगा, 2a। तो ऊपर तो न्यूमरेटर में कुछ 2a नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2a से यदि हम अपने से डिवाइड कर दें तो 2a 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये और ये क्या है, दोनों सेम चीज है। अब हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन, आप क्या लिखेंगे, dx अपॉन क्या लिखेंगे, a प्लस x प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या लिखेंगे, a माइनस x। अब यदि आपको रिजल्ट याद हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln a प्लस x मैंने बताया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2a क्या लिख सकते हैं, ln a प्लस एक्स, इसका क्या होगा, अब देखो पहले क्या करो, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन ln a माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस c, ठीक है। अब आप आसानी से लिख सकते हो, देखो 1 बाई 2a ln, अब log ऑफ a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a प्लस b, तो क्या लिखेंगे, a प्लस x अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस। तो ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट रहा, ठीक है। तो आपको यदि ये पॉसिबल हो तो क्या कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। तो I is equal to क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ यदि dx अपॉन क्या दिया हुआ हो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 2a ln a प्लस x अपॉन क्या लिखते हैं, a माइनस x प्लस क्या होगा, c। ये याद कर जाना है, ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो आप इसको खुद से ट्राई कर लेना, इसी मेथड पे क्या है, एच डब्ल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डी एक्स अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, इसको खुद से आप क्या करना, ट्राई करना, और आप ट्राई करना, आप इसका आंसर भेजना, मैं करेक्ट कर लूंगा, या आपको यदि नहीं आएगा तो आप आसानी से मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हमने देखा कि इसमें यही टाइप दो आते हैं, अगले इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अगला जो क्या है पॉइंट है, यदि क्या होगा इंटीग्रेशन, अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस क्या होगा, x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, x अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगेन क्या करो, x के जगह आप क्या कंसीडर करो, a साइन थीटा मान लो, क्या कंसीडर कर लो, x के जगह a साइन थीटा मान, तो x के जगह जब आप a साइन थीटा कंसीडर करोगे, यहां भी हम क्या करेंगे, यदि प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो क्या कंसीडर करेंगे, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा क्या हो जाएगा, d थीटा, रख दो यहां वैल्यू, तो I is इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा d थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा अपॉन क्या होगा, cos थीटा, एक अगेन क्या हो जाएगा, d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी।
अगेन वहां से थीटा का वैल्यू लिख सकते हो, तो क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस क्या होगा सी। तो इंटीग्रेशन आपको ये भी क्या करना है माइंड में रखना, आई मीन इस रिजल्ट को भी क्या करना है आपको माइंड में रखना है। आपको क्या करना है इस रिजल्ट को भी क्या करना है माइंड में रखना है, इस रिजल्ट को भी माइंड में रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कोई तो क्या होगा डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन। देखो आपको इसलिए मैं बेसिक रूल बता रहा हूं कि कभी भी आप जब ये फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इस मेथड को क्या करो यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हमको फॉर्मूला याद रखना है, याद हो तो बेटर है, लेकिन यदि याद नहीं हो तो आपको मेथड आना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि मेथड भी नहीं आया और याद भी नहीं हो तो ऐसे काम नहीं होगा, है ना। इसके बाद तो साइन इनवर्स क्या होगा डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद यदि क्या हो, देखो ये और पॉइंट मैं बता रहा हूं आपसे कि यदि ये पूछा जाए कि देखो डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा एलेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस। अभी आपको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर इसका भी प्रूफ है क्या, ऑब्वियसली प्रूफ है, एक्स के जगह टेन थीटा कंसीडर करो और फिर उसके बाद आई थिंक आपको एक्स के जगह टेन थीटा यूज करोगे तो ये आसानी से आ जाएगा, क्या होगा ये आसानी से क्या होगा आ जाएगा। एक्स के जगह टेन थीटा प्रूफ करो तो नीचे क्या हो जाएगा सेक थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखो मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, अगेन हम मुझे क्या करेंगे मुझे लिखना है क्या कि I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर। अब हम क्या मानेंगे यहाँ कि लेट लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ यदि माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या मानते x इक्वल टू ए साइन थीटा और क्या होगा ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ देखो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सी के स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। यदि माइनस होता तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिखते आइदर ए साइन थीटा और क्या लिखते ए कॉस थीटा लिखते। अगेन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा ए सी स्क्वायर थीटा होगा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। तो I is equal to dx upon a square plus x square is equal to क्या होगा a sec square theta d theta upon square root of a square 1 plus tan square theta। अब आप आसानी से लिख सकते हो, देखो क्या होगा a sec स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा डी थीटा, ए कैंसिल हो गया सेक थीटा, ए क्या हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। और कल ही मैंने बताया है कि इसके पहले क्लास में कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ये रिजल्ट है। तो आई इक्वल टू क्या होगा एल एन सेक थीटा प्लस क्या होगा टेन थीटा प्लस हम क्या लिख देंगे सी। कल मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस क्या होगा टेन थीटा होगा। तो आप आसानी से अब क्या कर सकते हो, देखो टेन थीटा का वैल्यू मालूम है, सेक थीटा का वैल्यू आपको यहां से लिख सकते हो और फिर जब रिजल्ट वैल्यू यूज करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है ए टेन थीटा
तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन a, और sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखोगे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आई मीन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए। अब वैल्यू रख दो तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या होगा आई इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस क्या होगा सी। अब आप बोलोगे सर ए कहाँ आप गायब कर दिए, तो ये गायब नहीं हुआ है। देखो ध्यान से हम लिख सकते हैं x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन ए प्लस सी, और इस टोटल को क्योंकि ये भी क्या है एल एन ए भी कांस्टेंट होगा ये भी कांस्टेंट होगा तो हम इसको सी डैश या कुछ कंसीडर कर लेंगे। तो यही क्या होगा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश या कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है याद रख लेना है केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिप्लेस कर दो और dx को d थीटा के टर्म में क्या करो लिखो और फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट करो। तो अभी हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देखा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ln क्या देखा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सम कांस्टेंट। अब ये रिजल्ट आपको क्या करना है माइंड में रखना है ना क्या करना है यू विल हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। अब उसके बाद एक और रिजल्ट है इसके बाद वाला ये आप खुद से ट्राई करना मैं आंसर भी नहीं लिखूंगा dx upon x square minus a square क्योंकि a square minus x square क्या हो जाएगा sin inverse क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा x square minus a square का वैल्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है ये होमवर्क है। इसी मेथड से यहाँ x equal to क्या लिखोगे आपको सोचना है x equal to क्या लिखना है। अब x इक्वल टू क्या लिखोगे यदि a sec थीटा हम लिख दें तो आसानी से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आसानी से क्या हो जाएगा आंसर x इक्वल टू a sec थीटा लिखो यहां मैं लिख देता हूं बस हिंट देता हूं पुट x इक्वल टू a sec थीटा तो dx इक्वल टू क्या होगा a sec थीटा इनटू क्या हो जाएगा tan थीटा d थीटा और फिर उसके बाद सिंपलीफाई कर लेना। इसके बाद ये होमवर्क है आप ट्राई करना है ना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि एक और रिजल्ट है जैसे देखो कि क्या दिया हुआ है यहां दिया हुआ हो 2x dx अपॉन क्या होगा dx। अब हमेशा याद रखना है कि क्या होगा यदि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो हम आसानी से स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब इसका यदि इंटीग्रेशन कोई पूछे तो आप क्या बताओगे देखो कैसे सोचेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको कैसे प्रूव करोगे अगेन क्या आप कंसिडर करेंगे लेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखो यहाँ क्यों क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो टी कितना होगा डी ऑफ टी स्क्वायर डी टी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टी डी टी सॉरी टू टी टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो x dx इक्वल टू क्या हुआ t dt क्या हुआ t dt या ऐसे भी लिख सकते हैं 2x। अब देखो यहां आसानी से आप लिख सकते हो अब i इक्वल टू हमने क्या किया
लिख दिया 2t dt अपॉन क्या लिखेंगे टी स्क्वायर टी टी कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन क्या हो जाएगा t हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 ln क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस क्या होगा x स्क्वायर तो यहाँ क्या होगा सॉरी 2 आएगा आपको समझ में आया तो हम क्या करते हैं ऐसे चीजों को क्या करते हैं सोचते हैं तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप आसानी से क्या करोगे जिसे और एक रिजल्ट है जिसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है जैसे यहाँ दिया हुआ हो देखो ध्यान से अगला रिजल्ट क्या है कि इंटीग्रेशन 2x dx स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगेन क्या है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना है पावर फॉर्मूला यूज कर देना है क्या करना है पावर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे पावर फॉर्मूला यूज कर देंगे है ना हम क्या करेंगे पावर फॉर्मूला अब हम इसको सोचें कैसे अब रूट हटाना है यहाँ तो मान लें कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर अगेन क्या होगा 2x dx इक्वल टू क्या होगा 2t dt तो अब वैल्यू रख दो तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2t dt अपॉन क्या होगा देखो तो ये कितना होगा t हो जाएगा कितना होगा t होगा अरे ही होगा ना t होगा ना देखो क्या होगा t होगा कोई डाउट नहीं है ना अब ये t कैंसिल हो गया तो 2 इंटू टी प्लस ही हो गया टी का वैल्यू यहाँ से लिख दो तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2 है ना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होगा तो इसका यदि वैल्यू लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ये रिजल्ट है आपको माइंड में रखना चाहिए अब अभी क्या है आपको हमने बताया सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन क्या करना फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे इसको यूज करना अब आपको क्या करना है ये जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उसको आपको माइंड में रखना है ना जो भी मैंने स्टार करके लिखा है ये उसको आपको क्या करना है एक जगह सभी रिजल्ट को लिख लो और फिर क्या करो उसको रिविजन करते रहो तो आपको सभी रिजल्ट क्या होंगे याद रहेंगे अब हम क्या करेंगे कि अभी तो सिंपल था इसके बाद एक और रूल होता है कि प्रोडक्ट में यदि कोई भी चीज जिसे आपसे कोई पूछे कि फाइंड इंटीग्रेशन अब हम क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे आपसे ये भी इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा हम इसको आप ज़्यादा इसका यूज कहाँ मैथ्स जब पढ़ोगे तब होगा लेकिन फिजिक्स में मैं बता देता हूँ कि कभी कभी क्या है प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है जैसे आपसे कोई पूछे कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इसका इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे कि आप क्या करो फाइंड आउट ऑब्वियसली क्या होगा यू क्या हो सकता है यू भी क्या हो सकता है एक्स का फंक्शन हो सकता है और इसमें से कोई क्या होगा कांस्टेंट होगा तो कोई मतलब नहीं है यू क्या है ई भी क्या है फंक्शन ऑफ क्या है फंक्शन ऑफ एक्स और वी भी क्या है फंक्शन ऑफ क्या है फंक्शन ऑफ एक्स दोनों क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसमें हम क्या करते हैं एक रूल होता है जिसको आपको हमेशा क्या करना रहता है याद करना रहता है हमेशा उसको अब हम क्या करेंगे इसमें से किसी एक को फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे किसी एक को हम क्या करेंगे फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे ये क्या है u इंटू वी रूल जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में किस तरह बताया था फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड ऐसे कुछ बताया था है ना उसी तरह हम क्या करेंगे u इंटू वी का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो एक होता है आईलेट रूल क्या होता है आईलेट आई एल ई आई का मतलब क्या हुआ इनवर्स एल का मतलब क्या हुआ लॉग ए का मतलब क्या हुआ एलजेब्रिक
टी का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री, आई मीन ट्रिगो मैं लिख देता हूँ, और ई का मतलब क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल। अब इसमें जैसे ही देखो ये क्या होगा ऑर्डर में, यदि आई, आई का मतलब क्या हुआ? इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, ऐसे इनवर्स तो नहीं मिलेगा आपको, जस्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको, केवल एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या है मिल सकता है, साइन थीटा एक्स मिल सकता है, ऐसे हम एग्जाम्पल भी देखें। तो इसमें जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में होगा उसको हम क्या मानेंगे? सेकेंड मानेंगे। आई मीन यदि क्या हो इनवर्स हो और लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ हो तो हम किसको फर्स्ट मानेंगे? इनवर्स को। लॉग को हम क्या मानेंगे? सेकंड। यदि लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो, अल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो हम अल्जेब्रिक को क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे। लॉग को क्या कंसीडर करेंगे? फर्स्ट। अब हमने मान लिया, इसको हम याद रखते हैं आई एल ए टी, आइलेट रूल या आइलेट फॉर्मूला, इनवर्स लॉगरिथमिक अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो? ई के पावर में हो, क्या हो? e के पावर x हो, e के पावर 2x हो, e के पावर 3x हो। log का मैंने बताया कि ln के फॉर्म में हो, t तो आप जानते ही हैं ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो ट्रिगो आई मीन इनवर्स log एल्जेब्रिक ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल इस फॉर्म में हो तो हम आसानी से क्या करेंगे? फर्स्ट जो इसमें पहले आएगा उसको फर्स्ट और उसके बाद वाले को हम क्या मानेंगे? सेकेंड मानेंगे। आई मीन मान लो कि u क्या दिया हुआ है? इनवर्स दिया हुआ है। v क्या दिया हुआ है? ट्रिगो दिया हुआ है। तो फर्स्ट किसको मानेंगे? इनवर्स को। वी को हम क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे। तो हम क्या करते हैं इसको, चलो हमने क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड मान लिया। तो रूल क्या होता है? यही इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसी के अकॉर्डिंगली हम क्या मानते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड मानते हैं। अब हमने क्या लिखा यहां? आई इज इक्वल टू क्या मिला, कंसिडर किया, पहले हम क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, फर्स्ट इंटू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस क्या मानेंगे देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू क्या मानेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन। बस यही क्या करना है, रूल आपको क्या करना है याद रखना। अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल की सिस एक्सप्लेन करूंगा तो आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अब आई क्या है? अब ये आई वन है, वन है, आई नहीं है, वन है। तो यहां आप रख दो, देखो तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ? इंटीग्रेशन इक्वल टू, फर्स्ट हमने किसको माना है? यू को। तो यू इंटू क्या हमने लिखा? वी डी एक्स माइनस हमने क्या लिखा? डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और होल का इंटीग्रेशन। बस यही क्या कर रहा है आपको याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए क्या है? आई इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स साइन एक्स डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो तो इसमें ए एक्स का मतलब अल्जेब्रिक और साइन एक्स क्या है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें अल्जेब्रिक पहले आ रहा है क्या? अल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नो के पहले अल्जेब्रिक है, तो इसको क्या मानना है आपने को? फर्स्ट। हम इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट। और इसको क्या मानेंगे, क्या हम कंसिडर करेंगे? सेकेंड। अब पहले फॉर्मूला लिख देंगे देखो ध्यान से, तो आई बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट, बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है ना, तो हम क्या लिखेंगे? I is equal to, यहां देखो हमने U को क्या माना है? फर्स्ट माना है, तो फर्स्ट लिखेंगे देखो U, I mean U into क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ V dx माइनस क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, या ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू x into इंटीग्रेशन ऑफ v dx और टोटल का इंटीग्रेशन, ये आपको ये। अब u क्या हमने माना है? x माना है, तो हम क्या लिखेंगे? x। sin का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब यहां लिखेंगे sin x dx माइनस इंटीग्रेशन होल, d ऑफ क्या लिखेंगे? d ऑफ x dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और होल का इंटीग्रेशन। बस ये। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x, तो क्या लिखेंगे?
माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, देखो तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, वन होता है, तो हम क्या लिखेंगे, वन को नहीं लिखेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और सी बाद में हम ऐड कर देंगे। अब यहां आप आसानी से लिख सकते हो, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन अब क्या लिखोगे, कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, दूसरा एग्जांपल देख लो कि एग्जांपल सेकंड देख लो, आपको समझ में आना चाहिए क्या है, एक्स एक्स ln x dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से मैंने क्या बताया, I L A T E Eilert rule, I का मतलब इनवर्स, L का मतलब क्या हुआ, लॉगरिथमिक, A का मतलब अलजेब्रिक, T का मतलब क्या हुआ, ट्रिगो, और E का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल। तो देखो तो X क्या है, अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक क्या है, लॉगरिथमिक के बाद में आता है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड, और इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट, क्या मानेंगे हम इसको, फर्स्ट मानेंगे, यहां जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फर्स्ट मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको हमको क्या मानना है, यही याद रखना है, आइलेट रूल, क्या करना है, आइलेट रूल आपको याद रखना है। तो यहां क्या मानेंगे, देखो इंटीग्रेशन पहले फॉर्मूला लिख दे क्या होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट हमने क्या माना है, आप देखो तो हमने क्या लिखा था, u इंटू वी, तो यहाँ u क्या होगा, u हमने फर्स्ट माना था, तो u क्या होगा, ln x, I mean u इंटू, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, u हो गया, और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटू क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u With respect to x into integration of v dx और whole का क्या होगा, integration, तो हम क्या लिखेंगे, u equal to क्या होगा, ln x, और x का integration क्या होगा, क्या होगा, x square by क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x square, I mean लिख देंगे यहाँ, ln x into x dx minus क्या लिखेंगे, u का differentiation, तो हमने u किसको माना है, जो पहले आएगा, है ना, तो u क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x dx इंटू इंटू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ nlx ln x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x dx और होल का इंटीग्रेशन। देखो आप कोशिश करना है, यदि आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर जहाँ जरूरत होगा वहाँ, क्योंकि इसके लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट और ये कुछ ये मेथड जो है आपको माइंड में रखना है, हो सकता है कि आप मैथ्स पढ़ो तो मैथ्स के सर आपको कुछ अलग वे से बताएं इसको। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, यू का वैल्यू रखो यहाँ, एक्स तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, देखो तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई एक्स, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 और इनका इसका फिर इंटीग्रेशन, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस कितना हो जाएगा, ln x माइनस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो x dx प्लस c, इसका वैल्यू रखो तो x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस क्या होगा, सॉरी यहाँ 1/2 भी था, तो 1/2 आई मीन कितना हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, तो यही क्या हुआ, इंटीग्रेशन। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यदि दो फंक्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसका इंटीग्रेशन आप क्या कर सकते हैं,
फाइंड आउट कर सकते हैं इसको यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे, आई मीन लिमिट जो होगा, लिमिट दिया हुआ होगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, कुछ इनिशियल कंडीशन दिया, कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस ये रहा क्या कि इनडेफिनिट में आपको क्या करना है, इतने स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको माइंड में रखना है। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ में आप ट्राई करना, यदि आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो इसको आप मैथ में पढ़ोगे, इससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कहीं 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 आपको क्या होगा, इसका यूज होगा, हर मोस्टली टाइम यूज नहीं होगा, तो जहां ये यूज होगा वहां फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होगा, लिमिट दिया रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।